Garuda Express, an international courier service. You'll get occasional notifications. To get all, tap the bell. मैं फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता हूँ. मैं बहुत पार्टीज करता हूँ क्रिसमस के टाइम पे, एंड मतलब फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करने का वो होता है, मन होता है बहुत. लेकिन इस बार क्योंकि प्रमोशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं क्रिसमस मोस्टली यहीं पे मुंबई में बनाऊँगा, बाहर कहीं पे नहीं जाके बनाऊँगा. सो बेसिकली व्हाट इज क्रिसमस फॉर यू? क्रिसमस इज लाइक यार गुड स्वीट, मतलब एक सेंटा कोई मेरे दिमाग में आते हैं हमेशा कि जब भी क्रिसमस का दिमाग में आता है कि एक केक खाने का मूड होता है मेरे को, एक चीट मील डे मेरे दिमाग में आ जाता है, एक गिफ्ट्स मेरे दिमाग में आ जाते हैं, एक पार्टीज़ मेरे दिमाग में आ जाती है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो क्रिसमस से रिलेटेड होती हैं, एंड सारी चीज़ें पूरे साल का जो एक वो होता है क्या बोलते हैं वर्क का जो दिमाग में रहती है चीज़ें, वो अचानक से अनलोड होती हैं. और हॉलीडे मोड पे हमेशा ये क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, तो उस टाइम पे ये काफी काफी सुकून देता है. सो डिड यू एवर बिलीव इन सांता क्लॉस? नहीं, मम्मी पापा जब बोलते थे तो बिलीव तो नहीं करता था कि ये क्या है ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ उनकी खुशी के लिए बिलीव कर लेता था बचपन में. बट या मतलब मैं ये सब चीज़ें क्या करता था कि उन्हीं को मेरे सेंटा क्लॉज बना के रखता था कि हाँ मैं जो गिफ्ट मेरे को चाहिए होगा वो चिट में बना के अपने तकिए के नीचे रख दूंगा, और सुबह तक देख लेंगे, तो अगर उनको लगा कि हाँ ये चीज़ ले जा सकती है इसके लिए तो ये ले लेंगे. तो वैसे छोटे छोटे गिफ्ट अपने बनवाता रहता था मैं क्रिसमस में, बहुत सारे, पूरा एक हफ्ता मैं ऐसे चिट्स बना बना के भेजता रहता था. मेरी फैमिली के साथ मेरा मतलब यही रहा है कि हमेशा से हम लोग काफ़ी हमारे जो नेबर्स हैं और हम लोग काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, तो सब लोग हम लोग क्रिसमस टेरेस पे हमेशा क्लोज क्या बोलते हैं डिनर रख के, या फिर एक हम लोग के टेरेस ओपन टेरेस होता, एक जो नेबर हैं तो उनके ओपन टेरेस में ट्री लगा के रखते थे, फिर वो लाइट अप करते थे, तो वहाँ पे वो बहुत एक अच्छा सा एक एटमोसफियर होता है फैमिलीज़ का. तो वो एक काफ़ी मेरी फॉन्ड मेमोरी है कि फैमिली के साथ, अपने कजिन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ ये सेलिब्रेट करना, हैविंग अ गुड टाइम, हैविंग गुड फूड और एंजॉयिंग. यार सो डिड यू बिकेम अ सांता क्लॉस फॉर एनीवन? किसी की आपको विश पूरी करना हो जो आप बता नहीं सकते, तो आप उसके लिए सांता क्लॉस बन के उसकी विश पूरी कर दिए? सांता क्लॉस के अटायर में तो नहीं, लेकिन मेरी बहन है वो मेरे को अपना सांता क्लॉज ही मानती है, तो उसकी विशेस पूरी करता रहता हूँ. ओके, सो अब ये सांता क्लॉज जी जैसे आप बोलते हैं आप नहीं मानते हैं, हाँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ दिल में कि नहीं बिलीव हुआ कि नहीं होते हैं कहीं ना कहीं सांता क्लॉस? आई थिंक मतलब वो चीज़ हर चीज़ बहुत पॉजिटिव वे में ली जाती है, और मैं उस चीज़ को हमेशा से बिलीव करता हूँ कि हर चीज़ आप जो चीज़ आप मांगना चाहते हो या कुछ भी चीज़, वो आप यूनिवर्स पे जब उस चीज़ को बहुत ध्यान से मांगते हो तो वो चीज़ अपने आप आती है, एंड दैट इज़ व्हाट द मेन एजेंडा, मेन क्या बोलते हैं उसके पीछे जो फोर्स एक दिमाग यूज़ किया गया है कि सांता क्लॉस ऐसे होंगे जो आपकी चीज़ों को पूरी करेंगे इफ़ यू आस्क फॉर इट. तो इफ़ यू आस्क फॉर समथिंग एंड यू बिलीव दैट्स गोना हैपन, तो वो चीज़ हमेशा होगी जब आप वो यूनिवर्स को मांगोगे पूरी तरह से और मेहनत करोगे उसकी तरफ. तो अरे ये पूछा न्यू ईयर्स की प्लानिंग है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, हम चार पांच फ्रेंड्स हैं, उनका ग्रुप है, हम सब लोग बाहर जाएंगे और चार दिन तीन दिन पार्टी करके फिर हम लोग घर को लौटेंगे. ओके कार्तिक, जैसे कि ये पूरा साल का अंतिम पड़ाव आने वाला है, तो कुछ आपके इस साल में क्या क्या पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जिसकी एक ड्रास्टिक चेंज हो गया हो पूरे साल? पर्सनल लाइफ में ड्रास्टिक चेंज इस साल के अंतिम पड़ाव में, पर्सनल लाइफ में तो कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ, पर्सनल लाइफ तो जैसी मेरी तब से चल रही है बहुत सॉलिड चल रही है, और प्रोफेशनल उसमें इस साल बहुत शूटिंग की थी सोनू की, टीटू की, स्वीटी की, तो वो अब फाइनली एंड ऑफ द ईयर ट्रेलर आया है एंड उसको बहुत सराहा गया है, तो वो चीज़ एक बहुत न्यू ईयर को मतलब सेलिब्रेट करने के मोड में लेके जाती है हम लोगों के लिए, एंड
तो मैं बहुत खुश हूँ जो अभी हो रहा है प्रोफेशनली, एंड होपफुली इसका फ्रूट बहुत बड़ा मिलेगा अगले साल. जी जिम में बहुत वर्कआउट करता हूँ तो जी सोशल मीडिया में मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ. मेरे को बहुत पसंद है इंस्टाग्राम स्नैपचैट ये सब. एंड तो मैं टिप्स तो मतलब मैं यही दे सकता हूँ कि ज़्यादा मतलब इट्स ऑलवेज अबाउट योर डाइट रेदर देन मतलब यू नीड 40 मिनट्स ऑफ वर्कआउट अ डे, बट उसके अलावा एक डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको फिट रहना. तो वो दो चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ों का बैलेंस आउट रहता है तो बस आपकी बॉडी सॉलिड हो जाएगी. If I talk about your film Sonu, इसका ट्रेलर काफी सराहा जा रहा है, लोग काफी अच्छे प्रोत्साहन कर रहे हैं. आप क्या देखते हैं आपकी कैरेक्टर को, पीपल लाइक योर कैरेक्टर? जी जैसे कि हम एक नए कैरेक्टर को लेके आते हैं. जी मैं अभी तो ज़्यादा कैरेक्टराइजेशन में नहीं जाऊँगा. मैं इसके बारे में ये हाँ कि कैरेक्टर का जो जो वन लाइनर्स की तारीफ़ें हो रही हैं, जो डायलॉग्स की तारीफ़ें हो रही हैं, वो काफ़ी मतलब अभी उसको कैसे पुट करूँ, मतलब मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि जितना रिएक्शन अभी तक ट्रेलर से आया है, जितने वन लाइनर्स लोग पकड़ रहे हैं. और जैसा कि फर्स्ट हमारा ट्रेलर लॉन्च पे जो ट्रेलर पे प्रेस का रिएक्शन भी था कि वो लोग हंस रहे थे जोर जोर से और तालियां मार रहे थे, वो चीज़ बहुत ओवरवेलमिंग था. एंड हर बार कैरेक्टर अलग लाना और ये वन लाइनर्स देना, ये सारी चीज़ें करना, तो ये मज़ा ही आता है जब एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है. तो आई एम रियली हैप्पी विद सोनू एज अ कैरेक्टर. किस किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया आपके कैरेक्टर को लेकर? बहुत लोगों ने लिया, बट ऐसे नाम लेके अजीब लगता है यार. एकदम फर्स्ट रिएक्शन जिसका आया, फर्स्ट रिएक्शन नहीं, काफी लोगों के रिएक्शन आए थे. वरुण ने अच्छा रिएक्शन किया था, अर्जुन ने अच्छा रिएक्शन किया था, तो काफी इनके मतलब सभी लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे रिएक्शन दिए. आई एम रियली हैप्पी विद इट. ओके, ट्रेंडिंग में आप चल रहे हैं, जैसे सबसे ज्यादा लास्ट मंथ के ईयर में जैसे देखा जाता है किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ज्यादा सर्च किया जाता है, तो आप उसमें ट्रेंडिंग. अच्छा. तो इतनी जो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं ट्रेंडिंग पे था और मैं अभी भी हूँ, तो मैं खुश हूँ उस बात से कि सर्च्ड मोस्ट सर्च्ड जो लिस्ट होती है सेलिब्रिटी की, एंड उसमें वन ऑफ देम हूँ. तो मैं आई एम रियली हैप्पी यार, मतलब विद द लिस्ट, एंड आई एम रियली हैप्पी कि कुछ तो सही कर रहा होगा जो इतना ढूंढ रहे. तो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा वो चीज़, एंड आई फील रियली हैप्पी. एंड मतलब ओवरवेल्म्ड विद द होल रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्म ट्रेलर एंड द होल ट्रेंडिंग थिंग. मैं आई थिंक इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट ये सब चीज़ें शायद कुछ चीज़ों में हेल्प करती हैं. सोशल मीडिया इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. एंड आई इन्जॉय मतलब फोटोज़ पोस्ट करना या वीडियोज़ पोस्ट करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, फैन से इंटरेक्ट करना, तो आई थिंक इसीलिए वो एक इंटरेक्शन की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं. बोलो आप में से दोनों में से कौन है? जी ये मुझे पूछना था कि जैसे नॉर्मली आजकल ये ट्रेंड है कि लोग ज्यादातर सेलिब्रिटी को देखने के लिए कंटेंट बेस्ड मूवी ज्यादा पसंद करते हैं. हाँ. और आपने जो भी मूवी की है वो सब सुपर हिट, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कॉन्टेंट बेस्ड आई थिंक आई एम रियली हैप्पी यार, जो जो भी अभी तक फिल्में मैं कर रहा हूँ, जो भी अभी तक फिल्में हो रही हैं, पंचनामा पंचनामा टू जैसा भी रिएक्शन फिल्मों को मिला है, या फिर अभी सोनू के टिटू की स्वीटी के ट्रेलर को जो रिएक्शन मिला है, मैं इन सबसे बहुत खुश हूँ इन रिएक्शन से. एंड मैं मतलब ऐसे ही काम करते रहना चाहता हूँ इसके अलावा भी. ओके, लास्टली आने वाले साल से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, किसके साथ काम करना पसंद करेंगे या और कौन-कौन से कैरेक्टर में आप देखने वाले या पसंद करेंगे? अभी तो ये साल खत्म ही हो गया है, अगले साल जो होगा वो चीज़ें अगले साल से फिर मैं बताना चालू करूँगा. बट फिलहाल के लिए मैं अभी ये फिल्म प्रमोट करना चाहता हूँ, एंड जो एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, तो उसमें से आलिया भट्ट के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, एंड दीपिका पादुकोण के साथ मैं काम करना चाहता हूँ. आई विश यू मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. For more updates, please like, share and subscribe to YOYO Times.